बेटा कनेक्ट करो वापस से। कनेक्ट करो बेटा, कर लिया। तो देखो इस तरह से हमने किसमें त्रुटि निकाल दी बेटा, सर गुणनफल में त्रुटि आपने निकाल ली, तो तीन त्रुटियां हमने निकाल ली है, तीन त्रुटियां हमने निकाल रखी है बेटा। तो तीन त्रुटियों में कौन कौन सी निकली सर, पहले योगफल की त्रुटि, फिर वैकलन की त्रुटि, फिर लास्ट में सर आपने गुणनफल की त्रुटि निकाली। तो गुणनफल वापस से देख लो बेटा एक बार, सर ए में त्रुटि कितनी है डेले की, बी में त्रुटि कितनी है डेल बी की, सर जेड में कितनी होगी सर ए इंटू बी, सर गुणनफल की त्रुटि ए इंटू बी की त्रुटि निकालनी। सर कैसे निकालें, सिंपल है सर, जेड बराबर ए इंटू बी। तो अब क्या करना होता है बेटा, इनको त्रुटि के पदों में लिखना होता है। जेड में त्रुटि कितनी है डेल जेड, तो जेड का मापन कितना होगा सर, जेड से या तो डेल जेड ज्यादा या डेल जेड कम, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड। तो सर ए का मापन कैसे होगा सर, ए से कुछ ज्यादा ए से कुछ कम, तो ए प्लस माइनस डेल ए। सर बी में सर बी प्लस माइनस डेल बी, अब कुछ नहीं सर मल्टीप्लाई करो। इसके पहले हमने क्या किया, जोड़ा था एक बार, क्या किया था वैकलन किया था, अब क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो देखो गुणा कर दो, तो गुणा कैसे होगा सर, पहले ए को पकड़ा, ए को बी से ये आ गया, फिर ए को डेल बी से सर ये आ गया, फिर डेल ए को बी से सर ये आ गया, फिर डेल ए को डेल बी से सर ये आ गया। पर देखो क्या है सर, जेड बराबर क्या होता है ए बी, सर ये कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया डेल जेड का, सर ये डेल जेड आ गया आपके पास, आ गया। पर आगे देखो सर, ये कौन है डेल ए इंटू डेल बी, डेल ए कौन है ए में त्रुटि और डेल बी कौन है सर बी में त्रुटि। पर आप देखो ये त्रुटि बहुत ज्यादा अल्पतम होती, ए में त्रुटि ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, ऐसा हो रही है कि 5 किलो को साढ़े आप 7.5 किलो तोल देंगे, कोई अगर वेट 5 किलो है तो बेटा लगभग 5 किलो ही वेट करेंगे ना, या तो आप 5 किलो तोल सकते हो या 4.5 किलो तोल दोगे, मैक्सिमम 5.5 किलो तोल दो। ये थोड़ी करोगे कि साहब 5 को आप 10 किलो तोल देंगे, 5 किलो 8 किलो तोल देंगे, इतनी बड़ी त्रुटि थोड़ी होती है। तो जो हम त्रुटि होती है हमारे मापन में, जो त्रुटियां होती है वो अल्पतम होती है, क्यों हम अपना काम अच्छे से करें। तो देखो क्या है कि सर डेल ए बहुत अल्पतम है, डेल बी बहुत अल्पतम है, तो सर इनका गुणनफल और भी छोटा हो जाएगा, उसको हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया, 0 मान लिया, तो सर अब यहां तक ही आ गए। ये भी आंसर बस इसमें क्या किया, दोनों जेड का भाग कर दिया, तो यहां भी जेड का भाग दो, यहां भी जेड का भाग दिया, यहां भी जेड का भाग दिया, बस जेड कितना होता है ए बी, डेड कितना होता है ए बी, तो सर यहाँ ए से कैंसिल हुआ तो डेल बी, अपन यहाँ बी से भी कैंसिल, तो डेल, ये याद कर लो कि सर ये गुणनफल की त्रुटि कितनी होगी, तो डेल जेड अपॉन जेड बी से भी कैंसिल नहीं हो सकता, और प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी है, हो गया। तो ये हमने गुणनफल की त्रुटि निकाल ली। आप बुक से मेंशन करेंगे तो भागफल की भी यही त्रुटि आएगी, भागफल की भी यही त्रुटि आएगी। तो कुल मिलाके हमें केवल 2 ही सूत्र याद करने हैं, हमें अभी तक कितने सूत्र याद करने हैं बेटा, एक तो किसका है सर योग का, एक किसका है वैकलन का, और एक हमने किसका निकाल लिया है गुणनफल का। और ध्यान रखना जो गुणनफल का होता है वही किसका होता है, भाग का होता है। तो कुल मिलाके हमारे पास 2 सूत्र आए, प्लस माइनस डेल जेड बराबर क्या आता है, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, ये सूत्र किसका है योग और वैकलन का। दूसरा सर एक आपने निकाला प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल एंड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और प्लस प्लस माइनस, ठीक है क्या है सर, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक है यहाँ प्लस लगा लीजिए प्लस माइनस। तो आप देखो कि सर ये जो त्रुटि निकाली सर वो किसकी है, गुणनफल और भाग की, डिवाइड की आप निकालो मल्टीप्लिकेशन की निकालिए, तो सर ये दोनों त्रुटियां एक ही होती है। तो कहने को हम बोल रहे हैं आर्टिकल कितने हैं, 4, कितने आर्टिकल बोल रहे हैं हमने कि सर हमने 4 आर्टिकल कर लिए, पर रिजल्ट पर आएंगे तो हमारे पास 2 ही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम रिजल्ट पर आते हैं तो कितने रिजल्ट मिलते हैं बेटा, 2 ही रिजल्ट मिलते हैं। एक रिजल्ट आपको याद करना किसका, योग और वैकलन के लिए, और दूसरा रिजल्ट आपको याद करना है गुणनफल और भाग के लिए। योग और वैकलन के लिए कितना निकाला आपने डेल जेड,
सर ये निकाला है डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल बी। और सर गुणनफल और भागफल के लिए क्या निकाला, सर वो हमने निकाला है डेल जेड अपॉन जेड बराबर कितना आएगा सर डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये आपको ध्यान में रखना है, अभी इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा। फिलहाल आप 40 का रिजल्ट निकाल रहे कि सर योग में क्या त्रुटि होगी, वैकलन में क्या त्रुटि होगी, सर ये आर्टिकल क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा एग्जाम में आर्टिकल ही डेरिवेशन में आ जाता है कि वो योगफल की त्रुटि निकालो तो ये निकालना आना चाहिए भी आप। वैकलन की त्रुटि ना जैसे हमने आपको निकाल के बताई वैसे आपको निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही गुणनफल की त्रुटि निकालो, ऐसे ही भागफल की त्रुटि निकालो, तो सर ये त्रुटि हमने निकाली। अब एक और है बेटा, क्या छोटा सा टॉपिक और है सर, घात की त्रुटि निकाली, सर घात की भी त्रुटि निकलवाता है, घात की त्रुटि भी क्या है बेटा, सर त्रुटि कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमने कहा कि सर कोई घात की त्रुटि है, हमने कहा कि z की पावर a n है, ये पावर है सर z की पावर a n है, साफ नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ बेटा क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, अब देखो बेटा देखिए, अब देखो करें चालू दिख रहा सर बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होता है, कभी नेटवर्क कम ज्यादा होता है तो आप इसको थोड़ा वेट करें, क्लियर हो जाएगा बेटा, इसमें कुछ अपने हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। तो क्या कहा था, जेड बराबर ए एन, घात की त्रुटि और निकालना सीख लो बेटा, क्या निकालनी है, घात की त्रुटि और निकाल लीजिए। सर कैसे निकालेंगे, सर जेड की पावर ए की पावर एन है सर, तो इसमें हम क्या करते हैं कुछ नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि सर एन जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जो पावर है किसमें आएगी, मल्टीप्लाई में आएगी, इसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर क्या आएगा, एन को मल्टीप्लाई में लाओ और क्या आएगा, सर ये आएगा डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए, ये आप योगफल की त्रुटि डायरेक्ट याद कर ले, सॉरी पावर की त्रुटि का सूत्र डायरेक्ट याद कर ले, क्या कहा सर, जो पावर की त्रुटि है उसका फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद करना है, वैसे इसको डेवलप भी कर रखा है, अगर हम चाहें तो इसको व्युत्पन्न भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैंने आपके लिए चार फॉर्मूले डेवलप कर दिए हैं, ठीक है, आपकी बुक में कर रखा है, अगर आप करना चाहो तो घात की त्रुटि भी हम निकाल सकते हैं, पर बेवजह इतना लंबा आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पावर ध्यान रख लें कि सर घात में तो कुछ नहीं करना होगा, सर जो पावर है ना वो आगे ले आओ, बस कुछ नहीं करना, और वैसे ही निकालना है जैसे कि हमने गुणनफल में निकाला और किसमें निकाला, भागफल में निकाला, कितना निकाला सर डेल जेड अपॉन जेड, कितना आता है सर, किसी ए और बी तो डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, इसमें सर वही किया डेल ए अपॉन ए लिखा है, बस पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आते, किसमें लेकर आते हैं, पावर को मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, और फिर सूत्र किसका लगाएंगे सर, वही सूत्र लगेगा किसका, गुणनफल का और भागफल का, किसका लगेगा बेटा, गुणनफल और भागफल का। तो कुल मिला के आपके पास में हमने पांच आर्टिकल कर लिए, कितने आर्टिकल कर लिए, पांच आर्टिकल किए, सबसे पहले हमने किया योग के लिए त्रुटि, नंबर टू हमने किया वैकलन के लिए त्रुटि, नंबर थ्री हमने किया गुणनफल के लिए त्रुटि, और नंबर फोर हमने की क्या किया सर, भागफल के लिए त्रुटि, और नंबर फाइव हमने क्या कर लिया सर, घात की त्रुटि। तो देखो हमने सारे आर्टिकल आपको निकाल के दिए हैं सर, योगफल और भागफल में एक, योगफल और वैकलन में एक ही सूत्र आएगा, कुछ नहीं सर, ए में त्रुटि कितनी है डेल ए की, बी में कितनी है डेल बी की, तो सर डेल जेड में कितनी है सर, कुछ नहीं, योग है तो दोनों को जोड़ देना और वैकलन है तो दोनों को घटा देना, ये पहला मेथड हमने सीखा, किसका सर, योग का और वैकलन का। फिर सर आपने गुणनफल की भी निकालना बता दी, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, बस बेटा आप कुछ नहीं कर रहे, बस मैं कुछ समझा रहा हूँ, सुन लो, लिसन करना है केवल, ठीक है। तो पहली त्रुटि क्या है सर, योगफल और वैकलन की है, तो सर वो बता दिया आपने कि हमें केवल ये निकालना पड़ेगा सर, ए में त्रुटि कितनी है डेल ए की, बी में कितनी है डेल बी की, तो सर योग में क्या होगा सर, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो डेल ए प्लस डेल बी, वैकलन में क्या होगा सर, कुछ नहीं, घटा दो डेल ए माइनस डेल, हो गया, तो दो तो क्लियर हो गए सर आपको। अब इसके बाद में सर गुणनफल की त्रुटि निकालेंगे और
ठीक है, डिवाइडेशन के लिए त्रुटि निकालेंगे, गुणनफल और भाग के लिए त्रुटि निकाली, तो सर उसके लिए एक ही फॉर्मूला हमने बता रखा है, डेल जेड अपॉन जेड, इसको निकाल भी लिया पर आपको डायरेक्ट याद रखेंगे कि गुणनफल और भागफल में त्रुटि क्या होती है, डेल जेड अपॉन डेल जेड बराबर क्या होता है सर, कुछ नहीं, डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, ध्यान रखना जब भी ये आए क्या जेड किस फॉर्म में हो ए क्रॉस बी और जेड किस फॉर्म में हो ए अपॉन बी भागफल के रूप में हो, दोनों में त्रुटि ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना अगर जेड बराबर क्या है ए क्रॉस बी है तो भी ऐसे लिखना है त्रुटि, जेड बराबर ए अपॉन बी है तो भी आपको ऐसे लिखना है, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा इसके कल नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान रखना जब भी योगफल है तो ये अप्लाई करेंगे, वैकलन है तो ये अप्लाई करेंगे, और अगर गुणा के रूप में है ए क्रॉस बी है ए अपॉन बी है भागफल है तो फिर ये यूज करेंगे, ध्यान रखना ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आपको याद करना है, योग और वैकलन के लिए ये याद रखना, गुणनफल और भागफल के लिए सेकंड सूत्र याद करना है, और एक और आप ध्यान रखें क्या इसे जेड बराबर ए एन, जेड बराबर ए एन, तो इसमें क्या ध्यान रखना है तो कुछ नहीं, इसमें तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो किसमें किया गुणनफल में या किसमें किया भागफल, इसमें तो वही फॉर्मूला यूज करना है जो गुणनफल या भागफल में करते हैं, सर क्या करना होगा सर कुछ नहीं, जो भी पावर है जो भी आपकी पावर है सर वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, उस पावर को आगे लेकर आ जाओ और फिर वैसे लिखो जैसे किसमें लिखते हैं गुणनफल में या किसमें लिखते हैं भागफल में, क्या लिखते हैं डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी, क्या है सर पावर है क्या एन किसमें आ गई मल्टीप्लाई में और कैसे लिखा डेल ए अपॉन ए, वैसे ही लिखे जैसे किसमें लिख रहे हैं गुणनफल में और कैसे लिख रहे हैं भागफल में, तो आई थिंक ये आपको पांचों सूत्र काम में समझ में आ गए होंगे, जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे अभी इसके चार पांच क्वेश्चन में कराऊंगा कल आपको, तो फिर आपको बेटर समझ में आ जाएगा, पर बेटा ये क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से, एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे कि योगफल की त्रुटि कैसे निकालेंगे, भागफल की त्रुटि कैसे निकलती है, गुणनफल में त्रुटि कैसे निकलती है, घात की त्रुटि कैसे निकालते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सूत्र आपको चार ध्यान रखना है, एक तो ये पहला योग व्याकरण के लिए भागफल गुणनफल के लिए याद करना है, और पावर में क्या याद करना है सर कुछ जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी, और सर फिर फॉर्मूला आपको किसका यूज करना है, आपको जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है वही फॉर्मूला पावर में भी अप्लाई होगा, ठीक है बेटा नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है, थैंक यू बेटा थैंक यू, कल अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा सर। हाँ बेटा सर फिजिक्स की नई बुक नहीं आई ना इस बार, क्या है बेटा फिजिक्स की नई बुक नहीं आई ना इस बार, ये बेटा वही बुक है जो लास्ट ईयर की बुक है, आप किसी से भी आना कर ले, तो आपके सीनियर स्टूडेंट है जो 12th में चले गए अभी उनसे आप नहीं सर कर सकते हो बेटा, हाँ सर ले लिए हम, हाँ बुक्स में कोई चेंज नहीं है इस बार, 12th के लिए बुक चेंज हुई है, 11th की बुक्स वही है जो लास्ट ईयर के बच्चों ने पढ़ी, एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है ना बेटा वही आपको कलेक्ट करनी है, नई मार्क तो नई ले लो आप, और अगर पुरानी बुक है लास्ट ईयर की तो वो भी कलेक्ट कर सकते सर है, ठीक है बेटा थैंक यू।